प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पूरक पुस्तक कृतिका में निहित पाठ दो मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। इस कहानी की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव पर प्रकाश डाला है। सबसे पहले लेखिका अपने नानी के बारे में कहती हैं। लेखिका अपनी नानी को तो नहीं देख सकी, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ उन्होंने सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा वाली औरत थी। उनके पति यानी लेखिका के नाना जी ने विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। उन पर अंग्रेजियत का पूरा प्रभाव था, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार लेखिका की नानी बहुत बीमार हो गई और उन्होंने अपने पति से अपनी अंतिम इच्छा बताई कि उनके मित्र यानी उनके पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मुलाकात करना चाहती हैं। जब वे प्यारे लाल शर्मा से मिली तो उस मुलाकात में उन्होंने प्यारे लाल शर्मा से कहा कि वे अपनी पुत्री यानी लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती हैं। ये जिम्मेदारी उन्होंने प्यारे लाल शर्मा जी को सौंप दी। इस प्रकार लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे यानी लेखिका की माँ शादी के बाद खादी की साड़ी पहना करती थी, जो उनके लिए असहनीय थी। लेखिका ने माँ को कभी भारतीय माँ जैसा व्यवहार करते हुए नहीं देखा। वे अपनी माँ को घर परिवार, बच्चों, खान पान और उनकी देखभाल आदि में ध्यान देते हुए नहीं देखा। उनकी माँ को इस सब में कोई लगाव नहीं था, उन्हें केवल पुस्तक पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनमें सबसे बड़ा गुण यह था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात या छुपाने योग्य जो बात है वह दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने देती थी, उन्हें नहीं बताती थी। इसी कारण उन्हें घर परिवार एवं बाहर के लोग बहुत पसंद करते थे, उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। अब आगे लेखिका परदादी के बारे में बताती है कि उनकी लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू यानी उनकी बहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग आश्चर्य करने लगते। ईश्वर की कृपा से उन्हें उनके घर में 5 कन्याएं ने जन्म लिया। एक बार घर के सभी लोग घर के बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था, इसलिए लेखिका की दादी शोर से बचने के कारण दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। उस कमरे में तभी एक चोर ने सेंध लगाई और उसमें घुस आया कमरे में। लेखिका की परदादी की आंख चोर के आने की आहट से खुल गई। उन्होंने सोचा कि कोई घर का सदस्य होगा, इसलिए उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वे कुएं से पानी ले आया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और उससे कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात को मान करके चोर चोरी छोड़ करके खेती करने लगा। अब इसके आगे की कहानी दूसरे वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।